सो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि व्हाट इज एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कौन कौन से मॉडल्स है, जैसे वाटरफॉल मॉडल हो गया, स्पाइरल हो गया, एजाइल हो गया, और उसी में हमने देखा था वाटरफॉल मॉडल को, जहां पर देखा था रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। फिर समझा था कि किस तरह से आपका लॉजिकल थिंकिंग काम करता है, बड़े बड़े टास्क को छोटे पार्ट में ब्रेक करना चाहिए फिर जोड़ना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। एंड वी हैव सीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीबीए एंड दिस मैक्रो। मैक्रो क्या है? मैक्रो इज सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन विच वी कैन राइट और वी कैन रिकॉर्ड। और वीबीए क्या है? वीबीए इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेट अस मूव फर्दर। अब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा, दो कैटेगरी या दो टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दो सेक्शन है या दो टाइप बोल सकते हो। द फर्स्ट वन इज द जो आपके बोलते हैं ट्रेडिशनल, या जिसको हाई लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब पुराने टाइप के जो लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब नहीं है कि मॉडर्न लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हो गया पुराना। एंड सेकेंड इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, थोड़ा सा स्मार्टर लैंग्वेज है और इजी टू यूज लैंग्वेज। अब नया का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या हाई लेवल में क्या डिफरेंस है? हाई लेवल में क्या होता है कि एवरीथिंग यू हैव टू बिल्ड, आपको एकदम स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा, सब कुछ बनाना पड़ेगा। ये है जिसमें ज्यादा मेहनत है, मतलब हार्ड वर्क ज्यादा है, स्मार्ट वर्क नहीं है, हार्ड वर्क है। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है वो है स्मार्ट वर्क वाला। आपका बना बनाया है, आपको सिर्फ उसको कॉन्फिगर करना है, यूज करना है। अब दो तरीके का हो सकता है, या तो गाड़ी का पार्ट्स आपके पास आ गया, आपको गाड़ी बनाना है, या गाड़ी के पार्ट्स भी पहले बनाओगे फिर गाड़ी बनाओगे, तो वो हार्ड वर्क हो गया। फायदा किसमें है, स्क्रैच से बनाना या बना बनाया को यूज करना? अगर आप देखोगे मेहनत उसमें ज्यादा है बट प्रोडक्टिविटी इसमें ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें जल्दी काम होता है, तो जब जल्दी काम होगा तो आपको उसी के बेसिस पे आपका ग्रोथ होता है। उसमें क्या होता था, उसमें नॉलेज तो बहुत चाहिए बट वो हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क आज के डेट में नहीं चलता। आज के डेट में आपको लोगों के पास टाइम कम है तो चीजों बना बनाया चीज को यूज करना पड़ता है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है वो क्या है, दैट इज बेसिकली क्रिएटेड। वो ऑलरेडी उसमें सब कुछ मॉड्यूल, सब कुछ, एवरीथिंग इज डन, हमें सिर्फ उसको यूज करना है और यूज करने के टाइम में प्रोग्रामिंग लिखना है, मतलब यूज करने के लिए प्रोग्रामिंग लिखना है, बट उसको बनाने के लिए कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, बनाने का चीज ऑलरेडी बना हुआ है। ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की जब बात करते तो कैसा दिखता है, उसका लेयर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से वो बनाया गया है, सो लेट अस सी। तो सबसे पहले होता है क्लास। इन एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, बी इट बी C++, जावा, VBA, इन सब में आपके सबसे टॉप लेयर में होता है क्लास। क्लास के अंदर होते हैं ऑब्जेक्ट्स, क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री। हर एक ऑब्जेक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ मेथड्स होता है, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ मेथड्स, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ मेथड्स, राइट। तो ऐसे होते हैं, मतलब एक टॉप लेयर होता है क्लास। क्लास का मतलब ग्रुप हो गया, जैसे अभी हम लोग एक क्लास का ही पार्ट है, एक क्लास चल रही है। क्लास के अंदर हम लोग इंडिविजुअल जो है उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट का अपने कुछ प्रॉपर्टीज होगा, मतलब अपना कुछ फीचर्स होगा, अपने कुछ ऑप्शंस होंगे, और उनके अपने कुछ मेथड्स होगा, मतलब उनके कुछ एक्शंस होंगे। एग्जाम्पल, जैसे लेट लीजिए किसी के, एक ह्यूमन बींग, हम लोग में से जितने भी लोग अभी है क्लास में, तो हर एक क्लास में जितने भी लोग हैं उन लोगों का अपना फीचर्स होगा, अपना हाइट होगा, अपना वेट होगा, ब्लड ग्रुप होगा, ये अपने उनके फीचर्स हैं। और मेथड क्या होगा, मेथड होगा रन, फिर वॉक, स्लीप, एवरीथिंग, ये जो अभी हम कर रहे हैं, इवन हम लोग बैठे हुए, सो दिस इज बेसिकली द मेथड। इसी तरह से हर एक ऑब्जेक्ट के मेथड्स होते हैं। आपका मेथड, मेरा मेथड अलग हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है सेम मेथड है स्लिपिंग, आपका भी मेथड है स्लिपिंग, मेरा भी मेथड है, बट हो सकता है स्लिपिंग में भी क्राइटेरिया अलग है, राइट। सो दिस इज द एंटायर थिंग इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, वेयर देयर इज अ क्लास, देयर इज ऑब्जेक्ट, देयर इज प्रॉपर्टीज एंड देयर इज मेथड। नाउ अब एग्जांपल लेते हैं, 1, 2, 3,
बताइए ये कौन सा क्लास है, इसको कौन सा क्लास बोलेंगे? कार क्लास, बिल्कुल कार क्लास। तो कार क्लास में ये तीनों कार क्या है, क्या है ये ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली वी हैव ए मोबाइल क्लास, तो ये तीनों मोबाइल क्लास में जो मोबाइल है दिस आर ऑब्जेक्ट्स। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी वन ऑफ द कार या एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो लेट सपोज इसकी बात करता हूं, नाउ दिस कार इज एन ऑब्जेक्ट। और जैसे मैंने बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कुछ मेथड्स होता है, इसी तरह से इस कार के भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। इनका कलर हो गया, इनका स्पीड हो गया, इनके ब्रेक टाइप हो गया, इनके मैन्युफैक्चरर हो गया, ये सारे क्या है, इनके प्रॉपर्टीज हैं, फीचर्स है। एंड मेथड क्या हो गया, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, मूव करना, एक्सलरेट करना। सो दीज आर ऑल मेथड्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ये दो चीज होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसको पहले देख लेते हैं डिफाइन कैसे करें, इंडस्ट्री में क्या डेफिनेशन है इन चारों का। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, क्लास इज नेम गिवन टू ए जनरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चाहे समझ में आए चाहे ना आए, दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ए क्लास। क्लास इज नेम गिवन टू ए जनरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। जब हम लोग इनिशियल लेवल पे इंटरव्यू देने जाते हैं वीबीए के बेसिस पे, जो लोग जॉब स्विच कर रहे हैं या करियर चेंज कर रहे हैं, तो नॉर्मली वीबीए के इंटरव्यू में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, या जब फोन पे इंटरव्यू होता है या कैसे भी फेस टू फेस ये पूछते हैं कि व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ आपको इलैबोरेट करना है कि ये क्या है। नाउ द थर्ड वन इज द प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज किसको बोलेंगे, क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और मेथड क्या हो गया, मेथड हो गया एक्शन जो आपके ऑब्जेक्ट काम करता है। जो भी आपके ऑब्जेक्ट करता है वो एक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट एक्शन इज नोन एज मेथड। सो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आप एग्जांपल्स के साथ कैसे भी समझा सकते हो, बट ये आपके एक डेफिनेशन है जो आपको बताना चाहिए। अब आते हैं इसका एक्सेल के साथ क्या लेना देना। अभी तक जो हमने बात किया था क्लास, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज, मेथड्स, इनका एक्सेल के साथ लिंकिंग क्या है, कोई बता सकते हैं एक्सेल के सबसे टॉप लेयर में क्या है, एक्सेल में सबसे पहले क्या आता है? मैं लुक एंड फील की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं एक्सेल के आर्किटेक्चर पे। आर्किटेक्चर में सबसे वर्कबुक, हां वर्कबुक सर, उससे पहले सर ऑफिस कंपोनेंट, ऑफिस कंपोनेंट, ओके, बेसिकली क्लास वुड बी ऑफिस, एमएस ऑफिस, बिल्कुल बोल सकते हैं, या एप्लीकेशन बोल सकते, एप्लीकेशन, यस सर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन, एक्सेल एप्लीकेशन, आपने ध्यान दिया होगा कभी कभी हम सारे फाइल्स क्लोज कर देते हैं फिर भी बैकएंड में एक बैकग्राउंड ग्रे कलर का एप्लीकेशन खुला रह जाता है। यस सर, वो एक्सेल होता है, दैट इज एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ है। अब एप्लीकेशन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एप्लीकेशन अपने आप में भी एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज और मेथड्स है। तो एप्लीकेशन का क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, एप्लीकेशन का साइज, एप्लीकेशन का रिलीज डेट, एप्लीकेशन का वर्जन, ये सारे चीज उनके प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। मेथड क्या हो सकता है, एप्लीकेशन ओपन होना, एप्लीकेशन क्लोज होना, एप्लीकेशन मिनिमाइज होना, एप्लीकेशन मैक्सिमाइज होना। सो दीज आर ऑल द मेथड ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर क्या आता है बताइए, एक्सेल एप्लीकेशन ओपन कर लिया, उसके अंदर में क्या आएगा, नेक्स्ट लेयर वर्कबुक। सो फाइल आते हैं जिसको वर्कबुक बोलते हैं, और वर्कबुक का प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, वर्कबुक का प्रॉपर्टी हो सकता है वर्कबुक का नाम, वर्कबुक का लोकेशन, वर्कबुक का टाइप, मतलब एक्सेल एसएक्स है या एक्सेल एसएम है, क्या है, वर्कबुक के ऑनर, वर्कबुक के ऑथर, वर्कबुक का साइज, ये एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी। मेथड क्या हो सकता है, वर्कबुक ओपन होना, वर्कबुक क्लोज होना, वर्कबुक सेव होना, वर्कबुक सेव एज होना, वर्कबुक रिनेम होना, वर्कबुक डिलीट होना, ये सारा चीज आपके मेथड का पार्ट है। वर्कबुक के बाद क्या आता है, वर्कशीट आता है। एक फाइल के अंदर मल्टीपल वर्कशीट होता है। सो एक वर्कशीट का क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई बता सकते हैं? वर्कबुक, वर्कशीट का नाम, यस सर, वर्कशीट का टैब कलर, वर्कशीट का पोजीशन, ये सारा चीज वर्कशीट का प्रॉपर्टी हो गया। मेथड क्या हो गया, वर्कशीट ओपन होना और वर्कशीट क्या होना, वर्कशीट ओपन होना और वर्कशीट
क्लोज होना क्लोज होना और वर्कशीट का भी ओपन क्लोज नहीं होता है, फाइल ओपन क्लोज होता है, वर्कशीट होता है एक्टिवेट डीएक्टिवेट, राइट। सो वर्कशीट एक्टिवेट होना, वर्कशीट डीएक्टिवेट होना, वर्कशीट डिलीट होना, वर्कशीट कॉपी करना, वर्कशीट मूव करना, वर्कशीट हाइड होना, बिल्कुल हाइड होना। तो ये सारा चीज हो गया उनके मेथड। इसी तरह से हो जाता है रेंज। रेंज का प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जो हम काम करते हैं एक्सेल में वो रेंज पे करते हैं। सो रेंज का प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, एनीबडी? मैं बताया था, रेंज का प्रॉपर्टी हो सकता है रेंज का विड्थ, रेंज का हाइट, रेंज का बैकग्राउंड कलर, रेंज का वैल्यू, रेंज का एड्रेस, रेंज का रो नंबर, रेंज का कॉलम नंबर, ये सारे प्रॉपर्टी हो गया। Yes, sir. और मेथड क्या हो गया, रेंज कॉपी होना, रेंज पेस्ट होना, रेंज कट होना, रेंज डिलीट होना, रेंज को कलर चेंज करना, रेंज में कुछ लिखना, रेंज में राइट क्लिक करना, एवरीथिंग जो हम काम करते हैं एक रेंज में, दैट इज द पार्ट ऑफ ए मेथड। नाउ रेंज के अंदर सेल आता है, सेल और रेंज एक ही है, समझ लीजिए। हम सेल हमने इसीलिए लिया कंसेप्ट को समझाने के लिए, नहीं तो सिंगल सेल को भी हम रेंज बोल सकते हैं, बोलते हैं ना रेंज A1, तो सिंगल सेल को भी रेंज बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को भी रेंज बोल सकते हैं। तो रेंज का सबसे ज्यादा यूज होता है। इस हायरार्की से चलेगा, नाउ अब जो हमने अभी डिस्कशन किया वही है, प्रॉपर्टीज में क्या हो सकता है, किसी का वैल्यू, किसी का नाम, मेथड में क्या हो सकता है, कॉपी करना, डिलीट करना। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कलेक्शन। अब देखिए कलेक्शन में यहां पर दो है, वर्कबुक्स एंड वर्कशीट्स। तो वर्कबुक्स किस चीज का कलेक्शन हो सकता है बताइए, वर्कबुक्स किस चीज का कलेक्शन हो सकता है? कलेक्शन है वर्कबुक का, ओके सर। एंड वर्कशीट्स किसका कलेक्शन है? वर्कशीट का, वर्कशीट का। एक फाइल में जितने भी शीट्स है उसका कलेक्शन को हम बोलेंगे वर्कशीट्स। एक और कलेक्शन हमने देखा है, बताइए तीसरा कलेक्शन कौन सा है? रेंज का, यस रेंज। सो रेंज भी एक कलेक्शन है। रेंज किसका कलेक्शन है? सिंगल रेंज का भी है, मल्टीपल रेंज का भी है, मल्टीपल सेल्स का, तो रेंज को भी हम कलेक्शन बोल सकते हैं। सो रेंज, वर्कबुक्स एंड वर्कशीट्स, तो ये तीन कलेक्शन हमने अभी तक देखा है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं VBA। बताइए VBA को कैसे ओपन करते हैं, एनीबडी? VBA में कैसे ओपन करते हैं, VBA को कैसे होता है? पहले तो डेवलपर टैब अनेबल कर लीजिएगा, जैसे यहां से कर सकते हैं, राइट क्लिक, कस्टमाइज द रिबन, और यहां से आता है डेवलपर टैब। नाउ अब तीन तरीके से हम जा सकते हैं VBA इंटरफेस में। पहला हो गया डेवलपर टैब में जाके इसको क्लिक करना, विजुअल बेसिक, जैसे क्लिक किया आई एम गेटिंग दिस विंडो, क्लोज करता हूं। सेकेंड है ऑल्ट F11, दिस वन। और तीसरा है किसी भी शीट में राइट क्लिक कीजिएगा और कर दीजिएगा व्यू टू। सो तीन वे आउट है VBA में जाने का। अब ये इस इंटरफेस को पता है क्या बोलते हैं, इसको VBA नहीं बोलते, इसको बोलते हैं VBE। VBE का मतलब हो गया, दिस इज नोन एज VBE, विच इज विजुअल बेसिक एडिटर। क्योंकि मैंने आपको बताया VBA इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, VBA एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऑप्शन होगा, कुछ एरियाज होगा, उसमें से एक एरिया है विच इज नोन एज VBE। जब भी हम इस विंडो को ओपन करते हैं दिस इज नोन एज VBE। अब इसमें मल्टीपल सेक्शन है, इसको हम एक एक करके बाद में कवर करेंगे कि किस सेक्शन में क्या है। सो ये VBE है जो हमने तीन अलग अलग वे आउट से देखा। नाउ अब आता है कि हम एक विजुअल बेसिक में दो तरीके से कोड को लिख सकते हैं या दो तरीके से कोड क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका है रिकॉर्ड करके, मैक्रो को रिकॉर्ड करके, और दूसरा तरीका है लिखने का। तो हम सबसे ज्यादा क्या करेंगे बताइए, हमारे ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा फोकस हम किस में करेंगे? तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे पर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन राइट पे ज्यादा फोकस करेंगे, राइट पे ज्यादा। अब देखिए दोनों का अपना प्लस माइनस है। एक काम करते हैं, पहले देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी मैं एक एक्सरसाइज करूंगा, छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगा, बट वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज सिर्फ थ्योरी को समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, उसको प्रैक्टिकली अभी कोई लिंक नहीं है, सिर्फ थ्योरी को समझाने के लिए। मैं एक काम रिकॉर्डिंग से करूंगा और वही सेम काम लिख के करूंगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा आपके लिए इजी होगा। सो टास्क क्या है यहां पर, मैं तीन काम करूंगा। फर्स्ट क्या रहेगा कि यहां पर मैं लिखूंगा हेलो,
सेकेंड क्या रहेगा कि यहां पर इसको मैं येल्लो करूंगा और बोल्ड करूंगा, और यही चीज रिकॉर्डिंग से आएगा। सो अब देखिए रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं। रिकॉर्डिंग ऑन कैसे कर सकते, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डेवलपर में जाके रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं, या तो यहां से भी कर सकते हैं। नो मैक्रोज आर करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू बिगिन रिकॉर्डिंग मैक्रो। सपोज यहीं से करते हैं, यहां पर कोई छेड़खानी नहीं करते, यहां पर लिखा हुआ है मैक्रो वन एंड दिस वर्कबुक, क्लिक ओके। जैसे मैंने ओके किया, देखिए मैक्रो स्टार्ट हो गया, यहां पर देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग का रहा है। अब मैं जो भी एक्टिविटी करूंगा वो रिकॉर्ड होगा। सो सबसे पहले मुझे लिखना है यहां पर हेलो, सेकेंड यहां पर जाके मुझे क्या करना है येल्लो कलर करना है, और थर्ड क्या करना है कंट्रोल बी से बोल्ड करना है। जैसे आपका काम खत्म हो गया यहां से स्टॉप कर दीजिए। अब देखिए इसमें कैसे जाना है, राइट क्लिक व्यू कोड। जैसे व्यू कोड करेंगे ऑटोमेटिकली एक मॉड्यूल ऐड हो गया, और इसके अंदर में देखिए कोड आया। देखो यहां पर एक्टिव सेल फॉर्मूला R1C1 रेंज सिलेक्ट इंटीरियर बोल्ड ट्रू, ये एक कोड आया। अब एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं सेम काम को करने का। अब इसको देखिए चलाते हैं, फायदा पता है क्या हुआ रिकॉर्ड करने का, कि नेक्स्ट टाइम से अगर मैं डेवलपर में मैक्रोज में जाता हूं और इसको रन करता हूं, सो ऑटोमेटिकली देखिए क्या हो गया, ये हेलो यहां पर आ गया, क्योंकि मेरा कर्सर यहां होना चाहिए लिखने के लिए। चलिए एक काम करता हूं, मैं कर्सर यहीं रखता हूं, मैं करता हूं डेवलपर में और कर देता हूं मैक्रोज में, और ये देखिए मैं करता हूं रन। जैसे मैं रन करूंगा वो काम हो जाएगा, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो था वो चल गया। अब मैं सेम काम को लिख के करूंगा, तो सब माय फर्स्ट कोड, सो रेंज A1 इक्वल्स टू हेलो, रेंज A1 डॉट इंटीरियर, इंटीरियर बैकग्राउंड कलर के लिए बोलते हैं, डॉट कलर इक्वल्स टू VB येलो, एंड थर्ड इज रेंज A1 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल्स टू ट्रू। ये कोड लिखा है, देखिए अब इसको चलाता हूं मैं, चाहे मेरा कर्सर कहीं पर भी होते ही क्या होगा, यहां से रन करते हैं। देखा आपने, चाहे कर्सर कहीं पर भी हो, कर्सर मेरा अभी भी यहीं पर है, बट वहां पर लिख गया। सो ये देखिए रिकॉर्डिंग करते हैं तो ऐसा कुछ कोड आता है, और लिखेंगे तो इस तरीके का कोड आएगा। कौन सा इजी लग रहा है, पहला वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला, बिल्कुल, क्योंकि सेकंड वाला एकदम इजी है, समझ में आ गया कि यहां पर कलर चेंज करना, तो मैं कलर कुछ भी लिख सकता हूं, कुछ भी डेटा देना दे सकता हूं, रेंज चेंज कर सकता हूं। इसके अलावा फॉन्ट को अगर बोल्ड नहीं करना है तो ट्रू की जगह फॉल्स कर दूंगा। सो देख के समझ में आ जाएगा। तो हमारा मेन फोकस रहेगा लिखने पे, बट फिर भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे कहां पर? लेट अस सपोज मुझे बोल्ड का कोड नहीं पता है कि बोल्ड करने का क्या कोड होता है, उस केस में हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे और बोल्ड कर देंगे, तो ये रिकॉर्डिंग में ये कैप्चर हो जाएगा, बस इसको यूज कर लेंगे। तो रिकॉर्डिंग इज जस्ट लाइक ए गूगल, कि जो भी चीज हमें समझ में नहीं आ रहा है या कैसे करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या है, इन दैट केस वी कैन रिकॉर्ड एंड वी कैन यूज दैट, एल्स जो लॉजिक होगा या बाकी जो भी होगा वो आपको लिखना ही पड़ेगा, वो रिकॉर्डिंग में कैप्चर नहीं होगा। तो यहां पर सिर्फ मुझे ये चीज बताना था, ये क्या है। अब आपको कैसे पता है कि वी लुकअप आया है एक्सेल में, बताइए आपको कैसे पता चला कि वी लुकअप आया, बताइए। एक क्वेश्चन है, उसका आंसर बताइए आप लोग, कि कैसे पता है कि वी लुकअप करके कुछ है। ठीक है, चलिए वी लुकअप समझ में आ गया। वी लुकअप के अंदर जो जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको कैसे यूज करने कैसे पता चला, आपने एक बार तो यूज किया होगा ना, फर्स्ट टाइम तो कभी यूज किया होगा। ये सर एक्सपेरिमेंट मींस जस्ट सेम। अब यहां पर क्या है, वीबीए में हम जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके पास काफी सारा सिंटेक्स रेडी हो जाएगा। काफी सारा सिंटेक्स, जैसे इंटीरियर एकदम परमानेंट है बैकग्राउंड के लिए, वो करना ही है। तो आज के बाद आपको पता है कि बैकग्राउंड कलर कहीं पर चेंज करना है तो मैं इंटीरियर यूज करूंगा। फॉन्ट करना है तो फॉन्ट, देखिए इंटीरियर आपको ऐसे लग रहा है कि बैकग्राउंड ना लिखा के इंटीरियर है, ऐसा कुछ आपको कोड मिलेगा जिसका नाम अलग है, बाकी सारा कोड वैसे ही मिलेगा। देखिए बोल्ड के लिए बोल्ड है, फॉन्ट के लिए फॉन्ट है, सब कुछ वैसे ही है। सो धीरे धीरे जैसे आप यूज टू हो जाओगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे,
प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, असाइनमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये कोड भी क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि मैं कुछ अगर नया करना चाह रहा हूं जो मुझे पता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि मुझे कॉलम डिलीट करने का कोड नहीं पता है, नहीं पता है मुझे लॉजिक पता है कि कॉलम डिलीट करना, बट कॉलम डिलीट करने का कोड नहीं पता है। सो देखिए क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे और कर देंगे डिलीट, स्टॉप। अब देखिए कोड आएगा, क्या कोड आया, सिलेक्शन डॉट डिलीट शिफ्ट। अब आपको पता है कि सिलेक्शन कहां पर था, क्योंकि मेरा सिलेक्शन यहां पर था। अब आप बताओ अगर सिलेक्शन ना करें, डायरेक्ट मैं जी में जाऊं फिर डिलीट करूं, तो रिकॉर्डिंग को ऑन करते देखिए, मैंने जी में गए और फिर राइट क्लिक करके डिलीट किया। अब देखिए रिकॉर्डिंग में क्या आएगा, रिकॉर्डिंग में आ गया ना, कॉलम्स जी जी डॉट सिलेक्ट सिलेक्शन डॉट डिलीट। अब आपको पता है कि कल के दिन अगर मुझे M को डिलीट करना तो मैं क्या लिखूंगा, G के जगह M लिख दूंगा, यही तो करूंगा ना। Yes, got it. तो धीरे धीरे सिंटेक्स आपको ऐसे भी सीख सकते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में सीखा था, जो सिंटेक्स आपका क्लास में कवर हो रहा है वो तो समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा चीज जो नया है, जैसे कुछ डिलीट कर रहा हूं, कुछ ये कर रहा हूं, अब नेक्स्ट टाइम से आपके दिमाग में आ जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग भी करने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डॉट डिलीट और फिर शिफ्ट एक्सेल टू लेफ्ट, ये लिखना पड़ता है, खत्म। तो ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज ध्यान देना है आपको कि वीबीए में हमें जो है याद कुछ नहीं करना, सिर्फ लॉजिक को समझना है, और धीरे 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 जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग में एक डिसएडवांटेज है कि रिकॉर्डिंग में लॉजिक रिकॉर्ड नहीं होता है, इफ एल्स ये रिकॉर्ड नहीं होता है, ओनली एक्शन रिकॉर्ड होगा, जो आप काम कर रहे हो वो रिकॉर्ड होगा, कोई इफ एल्स रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर इफ का फॉर्मूला लिखेंगे वहां पे सर, वो भी नहीं रिकॉर्ड में होगा। वो देखिए बिल्कुल, अगर आप चाहते हो कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो तो ये काम करे, तो वो लिखना पड़ेगा, फिर इफ वाला आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, देन में ये काम होगा सारा। नहीं मैं कह रहा हूँ जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब जो इफ का फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, इफ का फॉर्मूला आप ऐसे लिखोगे ना इक्वल्स टू इफ, बट वो रिकॉर्डिंग में फिर वैसे वो तो फॉर्मूला हो गया ना, बिना फॉर्मूला का भी तो काम हो सकता है ना। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर वैल्यू हेलो है तो कॉलम डिलीट हो, तो उसको कैसे फॉर्मूला में लिखोगे आप? फॉर्मूला में तो सिर्फ आप यही लिख सकते हो ना कि अगर इफ उधर वन है तो यहाँ गुड कर दीजिए, ये बैड कर दीजिए, कुछ आउटपुट ही दे सकते हो अगर इफ का एक्सेल का लिखोगे इफ, एक्शन तो परफॉर्म नहीं होगा ना कुछ भी। अगर ये शीट का सीट ये फर्स्ट है, अगर मान लीजिए फर्स्ट सीट है तो यहाँ पर हेलो आना चाहिए, अगर ये सेकेंड सीट है तो यहाँ पर हाई आना चाहिए, वो कैसे करोगे फॉर्मूला से, कैसे लिखोगे, नहीं लिख सकते। तो आपको मैं वही बोल रहा, रिकॉर्डिंग ओनली 5%, बाकी चीज आपको लिखना ही पड़ेगा, तो वो धीरे 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 समझ में आ जाएगा। वीबीए बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप समझिए, सिंपल। मैंने आज तक कोई चीज याद किया ही नहीं है, मैं जहां फंस जाता हूं वहां रिकॉर्डिंग करके देख लेता हूं और उस अपने नॉलेज के बेसिस पे उसको चेंज करता हूं। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग एज इट इज करके चिपका दिया, एज इट इज करके चिपकाएंगे तो चलेगा नहीं, तो उसको अपने हिसाब से उसको चेंजेस करना पड़ता है। तो अभी हमने क्या देखा, दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देखा कि रिकॉर्डिंग में और लिखने में क्या डिफरेंस है। तो हमारा बिल्कुल, अब आते हैं वीबीए डेटा टाइप्स। याद कुछ भी नहीं करना, यहां पर भी याद मत कीजिए। जैसे एक्सेल में हम कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं तो उस सेल को फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट सेल, तो याद होगा भी नहीं। हाँ, और याद होगा भी नहीं, ये कितना याद करेंगे हम, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कहां पर याद है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम ड्राइविंग करते हैं तो कैसे होता है, हमें एकदम नाप नाप के लेफ्ट और राइट देखना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि एकदम लेफ्ट और राइट देख देख के करते हैं, बट जब जब आप ड्राइविंग करना स्टार्ट कर दे तो एक महीना, दो महीना, एक साल, दो साल, तो लेफ्ट राइट का आपका अंदाजा ऑटोमेटिकली हो जाता है। वैसे ही प्रोग्रामिंग है, स्टार्टिंग में आपको समझना, अगर दिखेगा ये -32768, थोड़ा सा गलती भी होगा, धीरे 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 करते करते आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या यूज करना चाहिए। नाउ अब क्या है, जब हम लोग एक्सेल में डेटा को स्टोर करते हैं, बीट बी एनी सेल, तो उसमें हम क्या करते हैं, या तो टेक्स्ट में स्टोर करते हैं, या तो नंबर्स करते हैं, या तो नंबर्स में डेसिमल करते हैं, या तो फिर डेट करते हैं, या तो टाइम करते हैं, उसको हम वीबीए में डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो वीबीए में भी अगर कोई हम डेटा स्टोर करते हैं, क्योंकि वीबीए भी तो कैलकुलेशंस होगा, जैसे हम एक्सेल में डेटा स्टोर करते हैं, वीबीए में भी तो कहीं ना कहीं हम डेटा को स्टोर करेंगे ना अपना कैलकुलेशंस के लिए, तो वो डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप को हमें समझना पड़ेगा कि किस डेटा टाइप में हमें क्या स्टोर करना चाहिए। तो एक्सेल में होता था टेक्स्ट, यहां पर बोलते हैं उसको स्ट्रिंग, एक्सेल में टेक्स्ट, यहां पर स्ट्रिंग। एक्सेल में नंबर के लिए क्या होता था बताइए, जो फॉर्मेट सेल के अंदर नंबर के लिए क्या लिखा जाता था, नंबर ही होता था,
अब यहां पर नंबर के लिए क्या है, देखिए इंटीजर है, इंटीजर मतलब छोटा नंबर, माइनस 32768 से 32767 तक, यहां तक अगर मुझे कुछ स्टोर कराना है सो दैट कैन बी स्टोर्ड इन इंटीजर। अगर इससे ज्यादा कोई लिमिट स्टोर कराना है देन इट वुड बी ए लॉन्ग, लॉन्ग हो जाता है। इन दोनों में डेसिमल स्टोर्ड नहीं होता है, ना कि इंटीजर में ना ही आपके इसमें कोई डेसिमल स्टोर्ड नहीं है। नाउ डेसिमल के लिए दो है, सिंगल एंड डबल। सिंगल का मतलब छोटा डेसिमल, डबल का मतलब बड़ा डेसिमल। जब डेसिमल के बाद काफी बड़े नंबर्स को स्टोर करना है दैट कैन बी यूज इन डबल। अगर आप बोलोगे चारों में से बेस्ट कौन है, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल, डबल इज द बेस्ट। डबल में आप इंटीजर को भी स्टोर करा सकते हैं, डबल में बड़े नंबर्स को भी स्टोर करा सकते हैं। एक्सेल में डेट के लिए अलग होता था फॉर्मेट, टाइम के लिए अलग होता था। वीबीए में डेट और टाइम के लिए डेट फॉर्मेट से ही हमारा काम चल जाता है, डेट डेटा टाइप से ही दोनों काम होगा। एक्सेल में करेंसी होता था तो यहां पर भी करेंसी है जिसमें हम करेंसी टाइप का जो वैल्यू स्टोर करा कर रख सकते हैं। एक्सेल में ट्रू फॉल्स को स्टोर कराने के लिए कुछ था नहीं, कोई ऐसा फॉर्मेट सेल के अंदर नहीं था, बट यहां पर है वीबीए में जिसको बोलते हैं बुलियन। सो बुलियन हम डिफाइन अगर करते तो उसमें ट्रू फॉल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप बताइए एक्सेल में एक डेटा टाइप होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर हम कुछ भी नहीं देंगे तो उसकी जगह पर क्या होता है एक्सेल में? जनरल, जनरल, यस। वीबीए में उसको बोलते हैं वेरिएंट, कि अगर हमने कुछ भी नहीं पास कराया तो उसको बाय डिफॉल्ट वेरिएंट, राइट? तो वीबीए में उसको हम बोलेंगे वेरिएंट। अब आपका दिमाग में यह भी आ सकता है कि मुझे लॉन्ग में सब कुछ हो जाएगा तो मैं इंटीजर में रखूंगा ही क्यों फिर, है ना? मेरा लॉन्ग के अंदर तो सारा कैप्चर हो जा रहा है तो मैं इंटीजर रखूंगा ही क्यों? ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। अब आप बताओ मोबाइल किस में रखते हो, मोबाइल के कवर में रखते हो या सूटकेस में लेके घूमते हैं? मोबाइल के कवर में रखते हैं ना, सूटकेस में तो वो आ जाएगा, बट आप सोचो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसी तरह से अगर हमने कोई ऐसा चीज यूज कर लिया जिसके लिए स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो साइज भी तो बढ़ेगा ना फाइल का, है ना? तो हमें क्या करना है, जितना जो डेटा टाइप में जो रखना चाहिए उसको वही रखें। सर आपने स्ट्रिंग का मतलब बताया टेक्स्ट में सर? नंबर, नंबर, टेक्स्ट, टेक्स्ट, एबीसी, अमित, राजीव, अच्छा, ये सब। और इंटीजर का मतलब? इंटीजर का मतलब छोटा नंबर, स्मॉल नंबर। हाँ स्मॉल नंबर। लॉन्ग का मतलब बड़ा नंबर। सिंगल का मतलब? इंटीजर को एक्सेल में क्या बोलते हैं सर? इंटीजर को देखिए एक्सेल में नंबर ही है, चारों के लिए नंबर है। एक्सेल में ये चारों के लिए एक ही था जो था नंबर, यहाँ पर चार चीज के लिए अलग अलग है चार। सर तो इंटीजर स्पेस कितना लेता है अगर हम एक मतलब एक सेल में? मैं बताता हूँ, ये बिट्स में डिफरेंस होता है। बिट्स में स्पेस का मतलब ये ध्यान मत रखिएगा, मतलब उसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना कि एमबी में बढ़ेगा। बिट्स में इंटीजर, मान लीजिए किसी किसी डेटा को हमने इंटीजर में डिफाइन किया तो हो सकता है वन बाइट्स लिया, वन बिट, और लॉन्ग में कर दिया तो थ्री बिट ले लिया, ऐसे होता है डिफरेंस। आपको ये ध्यान देना है कि कोडिंग में, बट स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में जब हम लोग कोड लिखते हैं तो गलतियां होती है, जहां पर इंटीजर लिखना होता है हम वहां डबल लिख देते हैं और रिजल्ट भी आ जाता है, रिजल्ट में भी कोई गड़बड़ नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिट्स में बढ़ने दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हम स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस वही रखेंगे कि जिसमें जो डेटा टाइप चाहिए उसी को रखेंगे, ठीक है ना सर? वीबीए से वही काम करेंगे जो एक्सेल में ऑप्शन नहीं है, वीबीए से वो काम करेंगे जिसकी वजह से एक्सेल में स्लो हो रहा है। मान लीजिए एक्सेल में कोई ऑप्शन है जो स्लो कर रहा है, फॉर्मूला बड़ा लिख दिया स्लो कर रहा है, और वो वीबीए से इजी हो गया तो फिर वीबीए से करेंगे। एक्सेल में अरे फॉर्मूला स्लो कर देता है उसको वीबीए से करेंगे। ओके सर, तो दोनों का ही यूज है। किसी किसी केस में एक्सेल इजी लगेगा, किसी किसी केस में वीबीए इजी लगेगा। अब यहां पर जो डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप याद मत कीजिएगा, बस दो तीन चीज समझ लीजिएगा कि इंटीजर मतलब छोटा नंबर, लॉन्ग मतलब बड़ा नंबर। कितना छोटा कितना बड़ा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सिंगल का मतलब छोटा डेसिमल, डबल का मतलब बड़ा डेसिमल। फिर आते हैं डेट, डेट और टाइम में दोनों डेट स्टोर हो जाता है। अब करेंसी हो गया बुलियन, ट्रू फॉल्स के लिए बुलियन, और कोई भी डेटा टाइप जो एक्सेल में जनरल होता था यहाँ पर उसको बोलते हैं वेरिएंट। अब आते हैं कुछ ऑपरेटर्स, जैसे एक्सेल में एडिशन करते थे मल्टीप्लीकेशन, वैसे ही वीबीए में भी सेम रहेगा। एडिशन के लिए प्लस यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, डिविजन के लिए दो है यहाँ पर, एक है फॉरवर्ड स्लैश, एक है बैकवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश आप देख रहे हो 9 / 2 तो 4.5 बता रहा है, एग्जैक्ट बता रहा है, और जो बैकवर्ड स्लैश है वो आपको बता रहा है इंटीजर वैल्यू, मतलब 9 / 2 तो 4 बता रहा है, सिंपल सा। सो दो तरीके का डिवीजन बता रहा है। एक एग्जांपल बताइए, फाइनल रिजल्ट अगर 4.99 है डिवीजन करने के बाद तो क्या दिखाएगा बैकवर्ड स्लैश, क्या दिखाएगा 4.99 को? 4 दिखाएगा सर। और 4.11 को?
पूरी दिखाएगा, पूरी दिखाएगा बिल्कुल। तो इन दोनों केस में क्या होगा, इंटीजर पार्ट स्वीप रहेगा, बाकी हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 5 / 2, तो बताइए क्या आएगा डिवीजन में, रिजल्ट क्या आएगा 5 / 2 बैकवर्ड में? 2 आएगा सर, बिल्कुल 2 आएगा। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर, जैसे 2³ 8 होता है, तो 2³ = 8, तो इस तरह से कर सकते चीजें। अब मॉड, एक्सेल में मॉड फंक्शन भी है, मॉड फंक्शन क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है। जैसे 5 / 2, तो 2 × 4 लास्ट में बचा 1, तो ये 1 बताएगा आपका, ये मॉड फंक्शन। सो ये कुछ ऑपरेटर्स है जो मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जैसे हम एक्सेल में यूज करते थे वैसे ही यूज करेंगे। अब बताइए लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ट्रू कब देता है, बताइए एंड ट्रू कब देता है, सभी कंडीशन मैक्सिमम कितना कंडीशन यूज कर सकते हैं? आई थिंक सर 255 सो हम 255 कंडीशन चेक कर सकते हैं एक्सेल में, VBA में कोई लिमिट नहीं, VBA में कुछ भी करो, राइट। सो एंड में ट्रू कब होता है, जब सारे कंडीशंस ट्रू, और फॉल्स कब होता है, जब कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो एंड फॉल्स बताता है। इसी तरह से और ट्रू कब बताता है, बताइए और में ट्रू कब आते हैं, अगर कोई भी कंडीशन में, कोई भी एक कंडीशन, यस। और फॉल्स कब होता है, जब सारे कंडीशंस फॉल्स, सारे कंडीशंस फॉल्स। नॉट में ट्रू कब होता है, जब फॉल्स है, और फॉल्स कब होता है, जब ट्रू है, उल्टा। तो वैसे ही VBA में भी सेम कंसेप्ट है। सो VBA में भी जब हम एंड और नॉट का कंसेप्ट यूज करेंगे, सो कुछ वैसे ही करेंगे लाइक दिस। सर एक्सेल में नॉट होता है? होता है ना, एक्सेल में नॉट है ना, बिल्कुल है, नॉट फंक्शन है एक्सेल। बहुत रेयर यूज किया होगा सर, बहुत रेयरली यूज होता भी है, बहुत ही रेयर यूज होता है। सो ये 3 फंक्शन है एंड और नॉट जो लॉजिकल में आते हैं VBA में। अब आता है इधर कॉन्कटिनेट, एक्सेल में कॉन्कटिनेट फंक्शन के अलावा हम एम्परसेंड भी यूज करते हैं, ये एंड। तो VBA में भी वैसे ही है, VBA में भी एंड ऐसे ही यूज होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 12 12, तो 12 एंड 12 करेंगे तो 12 12 आएगा। एक्सेल में नंबर्स को हम डबल कोट्स में नहीं रखते, जैसे VBA में नहीं रखते ना, वैसे एक्सेल, मतलब एक्सेल पे जैसे हम नहीं रखते 12 या कोई भी नंबर्स को डबल कोट्स में, वैसे VBA में भी नहीं रखते। एक्सेल में टेक्स्ट को डबल कोट्स में रखते, वैसे VBA में भी टेक्स्ट को डबल कोट्स में रखते। इसी तरह से 34 लाने के लिए 3 and 4 कर सकते लाइक दिस। अब आते हैं लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर क्या करता है, VBA में दो टेक्स्ट को कंपेयर करता है और बताता है ट्रू फॉल्स में, और ये केस सेंसिटिव होता है। अब आप बताओ पहला वाला क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है सर। अच्छा सेकंड? ट्रू है सर। ट्रू, सेकंड ट्रू है, क्वेश्चन मार्क है। और थर्ड वाला? वो भी ट्रू है सर, वो भी ट्रू। स्टार है तो वो भी वाइल्ड कार्ड होगा। हाँ, जिन्होंने फॉल्स बोला है मतलब वाइल्ड कार्ड क्लियर नहीं है अभी, और वाइल्ड कार्ड हमने एक्सेल में कवर किया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए VBA करने के टाइम में हम लोग रिकमेंड इसलिए करते हैं कि एक्सेल के थ्रू गुजरना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट आपके VBA में काम आएगा। तो ये वाइल्ड कार्ड है जो हमने एक्सेल में देखा था, और वाइल्ड कार्ड VBA में भी सेम यूज होता है। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर, मतलब RI होना चाहिए, उसके बाद कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है, और लास्ट में HARD होना चाहिए, मतलब ट्रू है। ये एस्टिक का मतलब हो गया मल्टीपल कैरेक्टर्स, कुछ भी हो सकता है, तो RIC होना चाहिए, बाद में कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है ना, RIC है और बाद में कुछ भी है, सिंपल। नाउ अब आप बताओ एक्सेल में कैपिटल अमित इक्वल्स टू स्मॉल अमित, ट्रू ये बताएगा या फॉल्स बताएगा? कैपिटल अमित इक्वल टू स्मॉल अमित एक्सेल में क्या बताएगा? ट्रू ट्रू बताएगा सर, बताएगा, बट VBA में फॉल्स होगा। VBA केस सेंसिटिव कंपैरिजन करता है, जब भी हम कोई टेक्स्ट को कंपेयर करते हैं, अगर केस सेंसिटिव उसमें है, मतलब अगर कैपिटल स्मॉल है, तो वो फॉल्स ही बताएगा, ये VBA का डिफॉल्ट है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कोडिंग लिखने का टाइम।